ये इक्विलिब्रियम है 470 470। इसके बाद अगर चेंजेस आती हैं, ये देखिए चेंजेस आ रही हैं, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए तो इनिशियल सी प्लस आई जी नॉट, ये इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का खर्चा ऑन देयर कंजम्पशन एंड हाउस होल्ड ऑल बिजनेसेस का खर्चा ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को हम ऐड कर लें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन जाता है। वैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के दो और भी एंटिटीज हैं, वो है गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। हमने अभी उसको इग्नोर किया है, वो अगले चैप्टर के अंदर या इसके लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम पिकअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आए तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी भी कम हो जाएगा, वो सी प्लस आई जी नॉट से सी प्लस आई जी टू पे चला जाएगा। तो आपका लेवल ऑफ जीडीपी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी वो 450 पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं 450 पे। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है, और आपको पता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा कैसे होनी है, वो होनी है अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तो लोग सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, या इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग बैंकों से या जिन लोगों के पास सेविंग्स हैं उनसे ज्यादा पैसा लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। If there are changes in investment, there will be changes in equilibrium level of GDP. और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी भी कम हो रहा है। और आपके सामने इन्वेस्टमेंट अगर कम होगी तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी भी ड्रॉप कर जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो जाती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी भी बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जीडीपी तो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट शेड्यूल वो रियल जीडीपी पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे। तो आप देख सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी 490 पे चला जाएगा। तो ये उसी उसी में आप अगर उसको प्लग करके देखें, अब इसमें अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ऐड कर लें तो हमारा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा वाइडन हो जाएगा। अभी तक इसमें गवर्नमेंट नहीं है, हम नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो जो स्पेंडिंग है वो सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स पे नहीं होती ना, तो बाहर से भी आप कोई चीजें मंगवाते हैं उस पे आपका खर्चा होना है, वो हमने अभी तक नहीं ऐड किया था, अब हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अब क्या हुआ है, प्राइवेट एंड ओपन इकोनॉमी, पहले था प्राइवेट एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, अब है प्राइवेट एंड ओपन इकोनॉमी। एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स क्रिएट प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इनकम जनरेट होती है। और लेकिन हम इम्पोर्ट्स पे खर्चा भी करते हैं जिसको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स एन नेट एक्सपोर्ट्स दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्स एन पॉजिटिव का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है। एक्स एन यानी नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होने का मतलब यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा है। इसका इंपैक्ट आपके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी पे ऑफ कोर्स होगा। ये है दो नेट एक्सपोर्ट शेड्यूल्स हैं,
लेवल ऑफ जीडीपी वही पुराना आपके सामने 370, 390, 410, 430, 450, नेट एक्सपोर्ट्स एक्सएन पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, और दूसरे तीसरे कॉलम में आप देखें नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं, एक्सपोर्ट्स लेस देन इंपोर्ट्स, प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, तो नेट एक्सपोर्ट्स हर 370 लेवल जीडीपी पे, यानी 370 बिलियन का जीडीपी अगर है, तो उसमें $5 बिलियन दे आर कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। 390 में भी 5 बिलियन आ रहा है, 410 पे भी 5 बिलियन आ रहा है, 430 पे भी 5 बिलियन इनकम का, 430 बिलियन ऑफ रियल डोमेस्टिक इनकम है, उसमें से 5 बिलियन कहां से आ रहा है, फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना। ये जो दूसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को अगर हम देखें तो 370 आपका रियल जीडीपी है, उसमें से $5 बिलियन आपकी इनकम के बाहर जा रहे हैं फॉर परचेजिंग इंपोर्ट्स। 390 में भी आपकी नेट एक्सपोर्ट्स माइनस है, 410 पे भी, 430 पे, 450 पे, तो ये दो तरह के आपके सामने एग्जांपल्स हैं नेट एक्सपोर्ट्स की। ये है, अब हमने नेट एक्सपोर्ट्स भी इसमें शामिल कर लिए हैं। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स विद पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स, ये ऊपर वाली साइड पे, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स विद नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट्स। ये देखिए 470 पे इक्विलिब्रियम है, अब 450 पे अगर आपकी एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है और 490 पे आपकी एक्सपोर्ट्स अगर वो यहाँ पे क्या है कि आपकी 490 पे क्या है, आपकी एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स, ये आप देख रहे हैं सी प्लस आई प्लस एक्स एन, ये ऊपर है और आपका सी प्लस आई जी नीचे है। ये देखिए यहां पे इस फॉर्म में आपकी नेट एक्सपोर्ट्स अगर नेगेटिव हो तो आप इस साइड भी होंगे, ये आपके सामने है, आप इसको प्लस फाइव माइनस फाइव, और ये देखिए नेगेटिव आपका 450 पे, 470, 490, 450 पे आप यहाँ पे हैं, आपकी जो पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में आप यहाँ पे होंगे, नेगेटिव की फॉर्म में ये आप नीचे चले जाएंगे, आपने 5 निकाल देना उसमें से। लेकिन 470 पे आपका इक्विलिब्रियम है, जब वो शामिल नहीं है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लिंकेजेस काफी रोल प्ले करते हैं। प्रॉस्पेरिटी अब्रॉड, अगर बाहर हालात अच्छे होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक लिंकेजेस यानी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं, या बाहर के हालात का आपके हालात पे कैसा असर होगा, तो प्रॉस्पेरिटी अब्रॉड यानी अगर अमेरिका, यूके, यूरोप वो फ्लरिश कर रहे होंगे तो देख उनकी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होगी तो आपके हालात भी अच्छे होंगे। एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट होगा, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, हम आगे चल के पढ़ेंगे, यानी आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे बाहर वाले। टैरिफ एंड डिवेल्युएशंस, टैरिफ अगर कम होंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा जाएंगी, अगर टैरिफ बाहर के मुल्क आपकी आपकी एक्सपोर्ट्स पे अगर टैक्स लगा देते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। तो अगर आप टैरिफ यानी टैक्स या आप डिवेल्युएशन वो कर देते हैं तो डिवेल्युएशन की वजह से या टैरिफ्स की वजह से
दूसरे मुल्क भी सामने से रिएक्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी के मुल्क की इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हैं तो वो आपकी इम्पोर्ट पे टैक्स लगा देगा, तो इससे हालात खराब हो सकते हैं एंड जीडीपी फॉर ऑल में भी लोअर्ड, सब मुल्कों के जीडीपी कम हो जाएंगे। ये है आपस के बाहर के मुल्कों के साथ ताल्लुकात। अब हमने पब्लिक सेक्टर को ऐड करना है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी तो अखराजात होते हैं, उनको हमने जब ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम जीडीपी के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसका लीनियर इफेक्ट नहीं होता, यानी 2 जमा 2 नहीं होगा। जैसे आपने देखा था ना C+IG, वो 20 के हिसाब से ऊपर गया था, यानी पैरेलल। लेकिन अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होगी तो आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो पैरेलल, या जैसे इधर आपके सामने लिखा हुआ है वो मल्टीप्लायर होगा, यानी 2 जमा 2 तो 4 है, लेकिन अगले स्टेप पे वो ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। मल्टीप्लायर हमने पढ़ा भी था, आप अभी देखेंगे भी, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे सी में हमने $20 बिलियन हर एक में वो बराबर ऊपर चला गया था। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हम ऐड करते हैं तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो प्रोपोर्शनेटली और मल्टीप्लीकेटिवली वो इंक्रीज करता है, यानी 2 में 3 जमा होगा, फिर और अगर बढ़ेगा तो 3 में 3 जमा 4 जमा होगा, या और अगर होगा तो 4 में 5 ऐड होगा, 5 में 6 ऐड होगा, 6 में 7 ऐड होगा, इस तरह से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज ज्यादा होगा। जबकि आपने पीछे देखा था कि वो एक पैरेलल चेंज आ गई थी। इसी तरह से गवर्नमेंट जब ऐड होती है तो वो टैक्स भी लगाती है, तो उसकी वजह से भी जीडीपी पे ऊपर टैक्स की वजह से असर पड़ता है। मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हो सकते हैं, एक होता है लमसम टैक्स, एक होता है एडवेलोरम टैक्स या प्रोपोर्शनेट टैक्स, हम वो भी बात करते हैं। और टैक्सेस भी दे आर सब्जेक्ट टू मल्टीप्लायर, और यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम है इट इज इक्वल टू जीडीपी जब हम गवर्नमेंट को ऐड कर लेते हैं। ये तो अजम्पशंस हैं, आपको पता हो जाना चाहिए। अब हम इसमें गवर्नमेंट को ऐड कर रहे हैं, गवर्नमेंट परचेजेस एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी, ये वही पहला कॉलम आप देख रहे हैं, वही वाली चीज है। ये कंजम्पशन भी हुई है, ये सेविंग भी हुई है, ये इन्वेस्टमेंट भी हुई है, और यहाँ पे देखें आप, एक्सपोर्ट्स 10 बिलियन की हैं, इंपोर्ट्स भी 10 बिलियन की है, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितनी हुई, 0 के बराबर। तो देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स ऑन रियल डोमेस्टिक, क्योंकि हमने इसको दोनों को प्लस माइनस करना है, तो नेट एक्स एन विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखिए छठे कॉलम में गवर्नमेंट परचेजेस, वो भी $20 बिलियन की है, $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं लोगों के, और ये $20 बिलियन की गवर्नमेंट परचेजेस हैं। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, C+IG+XN, और XN किसके बराबर होता है, X-M के, X-M कितने के बराबर होगा, 0 के, मैंने आपको बता भी दिया है। और G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये देखिए 2+4+5+6, ये 5 है, 5 को हमने XN निकाल के उसमें किया है, तो XN कितना है, 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ये पहले भी आप देखें रियल डोमेस्टिक आउटपुट 370 की है, लेकिन जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो 415 का है, यानी डिमांड 415 की है, लेकिन इकोनॉमी के पास आउटपुट कितने की है, वो 370 की है। तो व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ द इकोनॉमी टू डू, वो इंक्रीज करेगा, आउटपुट बढ़ने की कोशिश होगी, बढ़ाने की कोशिश होगी, आउटपुट बढ़ेगी, बढ़ाई बढ़ने की तरफ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रियल डोमेस्टिक आउटपुट कम है, 390 पे, यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, डिमांड ज्यादा है
और आउटपुट की अवेलेबिलिटी कम में, तो वो रियल डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ेगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी। 390, 430, 410 पे 455, 470 पे देखें 490 है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये देखें 10वें लेवल पे ये बराबर हो रहे, मार इकोनॉमी जो है 10वें पे आके इक्विलिब्रियम में हो रही है, यानी जितनी आउटपुट अवेलेबल है उतने की ही डिमांड है 550 की। तो ये है इक्विलिब्रियम। तो आप देखें जब गवर्नमेंट सेक्टर आया है तो इससे क्या हुआ है, रियल डोमेस्टिक आउटपुट बढ़ी है, गवर्नमेंट के आने से रियल डोमेस्टिक आउटपुट भी बढ़ी है, और जब वो बढ़ी है तो इससे क्या होगा, हमने पढ़ा भी है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़नी तो है। आउटपुट बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा लोग हायर करने हैं, जब ज्यादा लोग आप उनको जॉब देंगे तो पैसा सरमाया और ज्यादा होगा उनके पास। ये है आपने देखा था गवर्नमेंट के बगैर 470 पे इक्विलिब्रियम में था, लेकिन जब हमने गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है तो जीडीपी हैज राइजन टू 550 बिलियन डॉलर। और क्या हुआ है, अब देखिए गवर्नमेंट का खर्चा तो सिर्फ 20 बिलियन का हुआ है, और जो जो जीडीपी बड़ा है वो 470 से 550 पे चला गया है। हालांकि गवर्नमेंट के आने से जो एडिशन हुआ है एक्सपेंडिचर में वो तो सिर्फ 20 बिलियन का था, तो 470 प्लस 20 वो तो होना था 490, लेकिन ये तो हुआ है जो इक्विलिब्रियम हुआ है वो 550 पे आ गया। तो ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि उसकी वजह क्या है, द राइज इन जीडीपी इज ग्रेटर देन द 20 बिलियन इन एडिशनल एक्सपेंडिचर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के आने से खर्चा तो बड़ा है 20 बिलियन डॉलर, लेकिन जो रियल जीडीपी है वो 550 हुआ है। तो ये है मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये है हमने बिल्कुल, ये सिंबल है आप देख सकते हैं, तो 470 से 550 पे चला गया जब गवर्नमेंट आई है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई शक की नहीं है। अब अगर टैक्स लग जाता है तो टैक्स लगने से भी गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा देती है, तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं टैक्स लगने से 7वें नंबर पे 490 पे हो रहा है, और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो भी 20 था, तो क्या हुआ है अब वो मल्टीप्लायर इफेक्ट चला गया है, वो अब वो खत्म हो गया, टैक्स लगने की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट वो 470 से 490 पे इक्विलिब्रियम में है। 20 बिलियन जो गवर्नमेंट की परचेजेस आई हैं वो ही ऐड हुए हैं, सात सात नंबर रो में आप देख सकते हैं। ये देखिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट परचेजेस हैं, ये नेट एक्सपोर्ट्स हुई हैं, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हैं, कंजम्पशन है। अब यहाँ पे ये देखें डिस्पोजेबल टैक्स 20 बिलियन का टैक्स लग गया है, तो पहले लोगों के पास 370 एज डिस्पोजेबल इनकम थे, इस पे 20 बिलियन का टैक्स लगा है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, 3550 की, 20 बिलियन गवर्नमेंट के पास चला गया है। तो अब जो रियल डोमेस्टिक आउटपुट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो 7 पे आपके सामने आ रहा है, ये है यहाँ पे ये देखें, तो वो आपके सामने है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी हैज गॉन डाउन, तो ये देख सकते हैं। तो टैक्स लगने की वजह से इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल फॉल्स फ्रॉम 550 टू 490। अब इसमें
वी कैन सी दैट देयर इज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4. 60 आप देख सकते हैं. ये 490 और कंजम्पशन कितनी है? यहां से चले हम मल्टीप्लाई इफेक्ट, आउटपुट 490 की है, कंजम्पशन है 450 की. और यहां पे 490 450 तो यहां पे कितने 40 का फर्क है. और ये देखें सेविंग 20 की है, इन्वेस्टमेंट 20 की है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये 20 के हैं. इस ये तीनों मिला के 60 डिवाइडेड बाय 15 जो 15 का डिफरेंस है उसके ऊपर आप करेंगे तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट. लेकिन आप इसमें ना जाए तो इतना ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन तो 490 से 550 हुआ है ना, 550 से 490 हुआ है, 60 का है तो 60 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कितने लेवल कम हुआ है तो डिवाइडेड बाय 15. 550 से 490 हुआ है तो 60 का डिफरेंस है. और आप अगर देखें 550 कहां पे था, ये 550 और ये 490 है तो ये $60 और डिवाइडेड बाय 15 आप ये है. ये देखे 15 550 490 हुआ है $60. और इधर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है उसमें कितनी चेंज आई है, 490 से 550 से 535 ये कितना डिफरेंस है 15 का. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर 550 पे कितना है 535 और जो हमारा रियल आउटपुट में चेंज आया है वो $60 की है. तो 60 डिवाइडेड बाय 15 तो 4 का मल्टीप्लायर इफेक्ट है. हम इसको देख सकते हैं, इतना इसमें नहीं है. तो ये है आपका टैक्स लगने की वजह से जो इम्पैक्ट है. टैक्स लगेगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और आपका रियल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी वो 550 से 490 पे चला गया. ये है इक्विलिब्रियम वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट. तो अब एक्सपेंडिचर गैप आते हैं जब इक्विलिब्रियम जीडीपी और रियल जीडीपी जब दोनों सेम नहीं आते होते तो देयर आर एक्सपेंडिचर गैप्स. दो तरह के गैप्स होते हैं, एक रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप होता है और एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप होता है. यानी आपने देखा ना कि इक्विलिब्रियम जीडीपी और रियल जीडीपी जब बराबर, यानी इक्विलिब्रियम और रियल जीडीपी में डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से दो तरह के एक्सपेंडिचर गैप्स होते हैं. एक है रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप और एक है इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप. रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट एग्रीगेट स्पेंडिंग और स्पेंडिंग इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी. और इंक्रीज इन गवर्नमेंट और डिक्रीज इन टैक्सेस, ये है रीजंस फॉर रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप. इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप किस वजह से आता है? देयर इज टू मच एग्रीगेट स्पेंडिंग या स्पेंडिंग एक्सीड्स फुल एम्प्लॉयमेंट जीडीपी या देयर इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन टैक्सेस. हम इसको ग्राफ की मदद से भी देखते हैं अभी आपके. ये है रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप. ये देखें, ये है रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप विच इज इक्वल टू 5 बिलियन. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी आप देख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम और एई से एई 1 हो गया तो 510 से आपका फुल एम्प्लॉयमेंट 510 है. और लेकिन आप फिर रहे हैं इस पॉइंट पे
देयर विल बी रिसेशनरी एक्सपेंडिचर गैप ऑफ 5 बिलियन. आपके यानी एक्सपेंडिचर्स कम हो गए हैं. इसी तरह से ये है इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप. ये इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से आप, तो ये आप देख सकते हैं ए इज, ये यहां पे था 5-10 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेकिन आपका इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो गया. तो ये 5 बिलियन जो है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेंडिचर गैप. तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये नीचे लिखा हुआ है, आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं. सेल्स लॉ क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड. हमारे पास 4-5 मिनट है, हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करके, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं. दो तरह के इकोनॉमिस्ट्स हैं, एक है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और दूसरे हैं कीनेजियन या मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं. तो अगर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं या क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि इफ देयर आर डेविएशंस दे वुड बी सेल्फ करेक्टिंग. ऊपर जो हमने पढ़ा है अगर कोई उसमें चेंजेस आती हैं तो वो खुद ब खुद एडजस्ट कर जाते हैं. मसलन इस्लाम पिन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वुड रिड्यूस प्राइसेस. अगर एक आउटपुट कम हो जाती है किसी वजह से तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी और प्राइसेस भी कम हो जाएंगी. उसकी वजह मतलब आउटपुट कम होती है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा. जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके वेजेस कम होंगे. जब वेजेस कम पैसों पे लेबर मिलेगी तो जो चीजें बनेगी उनकी प्राइसेस भी कम होंगी. और जब प्राइसेस कम होंगी they will increase consumer spending. तो वो फिर लोगों की consumption expenditure को बढ़ा देंगे. मैंने आपको बताया it would lower wages which would increase employment again and it would lower interest rate which would expand investment spending. तो इसको हम बोलते हैं sales laws. Supply creates its own demand. और इसका मतलब economy will automatically adjust. और वो कब होगा जब इट विल बी लेस इज फेयर. यानी कोई आप आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे. जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं, कीनेजियन इकोनॉमिस्ट्स हैं या कीनेजियन इकोनॉमिक्स है, वो बताती है कि देर आर साइक्लिकल एडजस्टमेंट्स इन एम्प्लॉयमेंट. दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑकर. इकोनॉमी विल नॉट करेक्ट इटसेल्फ. ऊपर वाले कहते हैं कि ये खुद खुद कर जाएगी, लेकिन इनका ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा. गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाय एक्टिवली मैनेजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी.